तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से बगीचे में जिसका नाम मैंने रखा है रेणुकास फ्लावरिंग गार्डन। और ये मेरा चैनल का भी नाम है, आप सभी को पता होगा। जो जो नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी गार्डनिंग से जुड़ी हुई बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम जैसे गार्डनिंग शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारे गार्डन में जो है तितलियाँ जो है आने लग जाते हैं, और छोटे छोटे भंवरे वो भी आते हैं। और साथ ही साथ जब पक्षियाँ हमारे गार्डन में छोटे छोटे नेस्ट बनाते हैं, तो आप पूछिए मत, इनका जो है आनंद हम खुद गार्डनर्स ही फील कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों गार्डनिंग से। तो आज मैं आप लोगों से कुछ वो छोटी छोटी क्लिपिंग्स में शेयर करने वाली हूँ, जो आज सुबह ही मैंने अपने गार्डन से लिया था। कुछ भौरे हैं और कुछ तितलियाँ हैं और छोटी छोटी पक्षियाँ भी हैं। तो अभी भी देखिए बहुत सारी तितलियाँ उड़ ही रही है मेरे आसपास, बट कैमरे में जो है वो सामने नहीं आती है, बट दूर दूर में वो उड़ते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और इनके आने से घर में एक जो है पॉजिटिव वाइफ भी जो है, ऐसा मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी भी हमारे गार्डन में आते हैं। वो जब हमारे गार्डन को एक बार जो है विज़िट करके अगर फिर से बार बार अगर वो आते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ऐसा मेरा मानना है कि जब कभी ये पक्षियाँ हो या ये तितलियाँ हो या फिर ये छोटे छोटे भौरे हो, ये जब हमारे गार्डन में आते हैं ना, तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। जब हम सुबह जो है इनको उठकर अगर देखते हैं ना, तो बस कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है इनको देखते हुए। मैं तो खुद ऐसा करती हूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हर वीडियो को हम फट से जो है वीडियो नहीं कर पाते हैं, या तो हमारे घर में दूसरे काम रहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं एक हाउसवाइफ हूँ और गार्डनिंग के साथ घर के और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, घर का सुबह का काम रहता है, फिर दोपहर का, फिर रात का। तो इसी तरह और साथ ही साथ कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम एक मैनेज करना पड़ता है, और साथ ही साथ इतने सारे प्लांट्स। तो हालांकि मेरे पास उतने कॉस्टली वाले या जो बिल्कुल महंगे वाले प्लांट्स मैंने अभी तक कलेक्शंस नहीं किए हैं, बट जो मेरे यहाँ के जो एटमॉस्फेयर में सूटेबल प्लांट्स है, उन्हीं प्लांट्स को मैंने यहाँ रखा है। क्योंकि पहले मैं नर्सरी जाती थी और कभी कभार बहुत अच्छे जो प्लांट्स लगते थे वो मैं बाय कर लेती थी, बट उनको घर में जब लेके हम आते हैं, फिर कुछ दिन देख रेख में रख कर जो है हम देखते हैं कि सडनली वो प्लांट्स जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि फूशिया मैंने लिया था लास्ट फेब्रुअरी में, तो वो भी जो है इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं किए, लगभग 4-5 महीना रहा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, वो प्लांट्स भी चले गए। और इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़राब भी हुए हैं। और एक तो मेरा ग्रीन नेट मैंने अपने गार्डन में नहीं लगाया है, मेरे सारे प्लांट्स खुले आसमान के नीचे ही जो है पनपते हैं। कभी कभार मैं देखती हूँ अगर उनके पत्ते वत्ते जलने शुरू हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से उनको जो है छाएदार जगहों में जो है मैं उनको प्लेस कर देती हूँ। फिर कभी कभार मुझे ऐसा लगे कि नहीं, पत्तों में कुछ येलोइश हो रहे हैं पत्ते सारे, तो फिर मैं उनको जो है सनलाइट में थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने अपने गार्डन को मेंटेन करके रखा है। तो वो छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स तो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब्स के भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, जो शायद मुझे नहीं पता कि किस तरह से अपने वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, या कंटेंट में कुछ कमी रहती है। तो ये सारा तो मुझे आइडिया नहीं है, इन सारी बातों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस मैं करती जा रही हूँ और बस ऐसे ही चल रही है मेरी गार्डनिंग। तो कभी कभार ऐसा भी मन होता है कि बस इस बार छोड़ दूँ, बट दिल तो है कि मानता नहीं, तो ये वाली बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये छोटी सी बातें या बेहुदा बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो ज़रूर कमेंट करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो यही कहते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।
wasn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should